जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फौजी मेथ अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ SSGD 2021 की जो आने वाली वैकेंसी है, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और जिसके फॉर्म फिलअप होंगे 25 मार्च से 10 मई तक। तो दोस्तों, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। बहुत सारे मेरे भाई बंधु ऐसे इंटेलिजेंट है, वो बार बार वैकेंसी में रह भी जाते हैं। कुछ जो नए आने वाले हैं उनको पता नहीं होता कि उनको किस चीज़ की ज़्यादा तैयारी करनी है और किसकी कम, और फिर एग्ज़ाम के बाद में वो पछताते हैं कि काश मैं इसको ज़्यादा पढ़ लेता। तो आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस सिलेबस को कितना, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस का लेवल क्या है। होता क्या कि कई बार ऐसी गलती करते हैं कि सिलेबस वही पढ़ रहे हैं लेकिन जो लेवल पढ़ रहे हैं वो CGL का पढ़ रहे हैं या बिल्कुल अप लेवल पढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर दिमाग लगा रहे हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। इसका जो लेवल है SSGD का, उस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है। किस लेवल पे पढ़ाई करनी है इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या रहता है, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 हिंदी और 25 GK। तो अब आपको इसके लिए जो सिलेबस है, अगर आप मैथ और रीजनिंग की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ और रीजनिंग को महत्व देना है SSGD में। सबसे ज़्यादा अगर महत्व आपको किसी को देना है SSGD में तो वह मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी होगी, यानी मैथ अगर आपकी अच्छी होगी, आपको मैथ को सबसे ज़्यादा महत्व देना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अंकगणित इसमें जियोमेट्री के क्वेश्चन नहीं आते हैं और एलजेब्रा के क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो अंकगणित के आते हैं और अंकगणित की आपको प्रैक्टिस बार बार करना है, ठीक है। नदी, नाव, धारा, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इनकी तैयारी अच्छे से करनी है। काम, समय, दूरी और इसके अलावा जो संख्या पत्ती है उसके क्वेश्चन आते हैं, या ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चन हैं यहीं से बनते हैं। तो आपको जो इसका सिलेबस जो वहाँ पे दिया हुआ है, उस सिलेबस में आपको देखना है कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दिया, अगर जब तक फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हो तब तक आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है मैथ की और उसके बाद में रीजनिंग की। ये दो सब्जेक्ट आपको अभी से GK आप नॉर्मल पढ़ते जा रहे हो, डेली करंट GK जो आपका पेपर, न्यूज़पेपर, आपको परमानेंट अगर आप SSGD की तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से क्या होता है कि डेली आपके ऐसे क्वेश्चन तैयार होते जाते हैं जो आप भूलते नहीं कभी। आप एक बार जो न्यूज़पेपर में पढ़ोगे दिल से वो भूलोगे नहीं। तो न्यूज़पेपर में आपको अगर कोई टाइम लगता है तो अच्छे से न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी GK धीरे धीरे कवर होती जाएगी और आपको GK को धीरे धीरे पढ़ते भी रहना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ज़्यादातर टाइम देना है मैथ और रीजनिंग को। मैथ को मैंने बता दिया इन प्रश्नावलियों में से, और साथ में मैं अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के वीडियो भी हर रोज़ डालता हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं डेली इस पर चैनल पर डालता हूँ, तो उससे आप ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में देता हूँ तो उससे ज़रूर आपको मैथ और रीजनिंग में फ़ायदा मिलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा तैयारी किसकी करनी है, मैथ और रीजनिंग की। रीजनिंग की मैथ की तैयारी कैसे करें, मैथ की तैयारी फ़िलहाल आपको मॉडल पेपर या इनकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ को भी आप शुरू से बेसिक से पढ़ना शुरू करें, तो बेसिक से पढ़े, इजी क्वेश्चन ले, धीरे धीरे अपग्रेड करें, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर, वो जैसे मॉडल पेपर आते हैं, इन पर ध्यान नहीं देना, केवल बेसिक पढ़नी है और बुक से मैथ पढ़नी। इसलिए SSGD के लिए जैसे रामनिवास मात्रिया होगी या आर के अग्रवाल की जो बुक है वो ले लो, या और भी जो मैथ की आपको अच्छी बुक लगती है तो वो पढ़ लीजिए। या आर के यादव उनकी जो बुक है मैथ की वो भी अच्छी है, तो उनसे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में रीजनिंग के आप पेपर सेटों में से क्वेश्चन कर सकते हैं बार बार, एक बार ज़रूर पढ़ना रीजनिंग को पूरे बुक से, क्वेश्चन यूट्यूब पर वीडियो भी देखने, तो पूरे देखे और फिर एक बार रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है। तो जब फॉर्म फिलअप कर दो उसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है हिंदी की तैयारी थी। तो आपको अगर बता दूँ आपको मैथ तो रीजनिंग और हिंदी ये 75 नंबर में से आपको 70 नंबर आप इसमें आसानी से ला सकते हो अगर इस रूप से आप तैयारी किए। GK में आपको पता है कि GK सरल होगी तो आपके भी नंबर अच्छे आएंगे और जो ज़्यादा मेहनत करेगा GK में उसके भी अच्छे आएंगे। इसलिए GK में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है अगर आप SSGD के कैंडिडेट हो, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको मैथ और रीजनिंग में, उसके बाद में फिर हिंदी और फिर GK। और जब क्वेश्चन पेपर में बैठो, क्वेश्चन देने जाओ एग्ज़ाम में, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले GK के क्वेश्चन, फिर हिंदी के क्वेश्चन, फिर मैथ के क्वेश्चन और फिर लास्ट में रीजनिंग। इस प्रकार से आपको पेपर अटेंड करना है तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। दोस्तों, जय हिंद।